कम दाम में आपको प्राइसी दिखना है तो गो फॉर ज्वेलरीज लाइक दीज। हाय ऑल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो मेरा वीडियो है वो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि इट्स अमेज़न हॉल। एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें अमेज़ॉन से शॉप की हैं। मैं बता दूं कि आज के मेरे वीडियो में मैंने कुछ लाइक फुटवेयर्स हो गए और कुछ फुटवेयर्स, ज्वेलरीज और बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर की हैं जो आपको मैं दिखाने वाली हूं। एंड उसके अलावा प्लीज़ मेरा नेक्स्ट वाला जो वीडियो है ना उसको बिल्कुल मिस नहीं करना अगर आप लोग यू नो हेयर एक्सटेंशंस के देख रहे हैं, हेयर एक्सटेंशंस रिव्यूज़ देख रहे हैं। बिकॉज यू नो मैं बता दूं कि मुझे हाल ही में डेंगू हुआ था तो मेरे बाल बहुत ही छोटे हो गए हैं, तो इसीलिए अब उसको इमीडिएटली तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो इसीलिए मैंने ना बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेयर एक्सटेंशंस मैंने ऑर्डर किए हैं, लाइक यू नो बैंग्स हो गया, कर्ली हेयर्स हो गए, या फिर वो जो होता है यहाँ पे ऐसे क्लिप होता है यू नो पोनी टेल वाला। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेयर एक्सटेंशंस मैंने ऑर्डर किया है, तो ज़रूर मेरा नेक्स्ट वाला वीडियो देखना। उसके लिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाय क्लिकिंग द रेड सब्सक्राइब बटन एंड उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक करना, सो दैट जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मेरा आज का अमेज़ॉन रैंडम फाइंड हॉल। और राइट, जो मेरा फर्स्ट स्टफ है जो मैं अमेजोन से लेके आई हूँ वो है ये फुटवेयर। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस फुटवेयर। वाई इज़ बिकॉज यू नो इस फुटवेयर का सेम ड्यूप यानी एक्चुअली ज़ारा में आपको एक मैंने देखा है कि एक हील्स है जो आपको कुछ 7-8 हज़ार की मिलेगी और ये वाला जो फुटवेयर है वो उस ज़ारा फुटवेयर का ड्यूप है। और राइट, जो आपको सिर्फ 1000 रुपये में मिलेगा, तो इसीलिए मुझे ये लेना ही था, मुझे दिखाना था स्पेशली फॉर यू गाइज वॉन्ट टू वेयर ज़ारा बट फील कि ज़ारा बहुत ही ज़्यादा प्राइसी है एंड यू वॉन्ट अ ड्यूप, सो गो फॉर दिस वन। ऑलराइट, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। एंड लुक एट दिस, वाओ इट्स सो ब्यूटिफुल, बहुत ही ब्यूटिफुल है ये, एक्सपेक्टेड नहीं था यार ये। एक्चुअली ना मुझे नहीं पता कि वीडियो में ये कितना अच्छा लग रहा है बट रियल में ये बहुत ही ब्यूटिफुल है, बहुत ही प्यारा है फॉर द प्राइस आई एम टेलिंग यू। सो ट्रांसपेरेंट है, सो एंड द गुड थिंग अबाउट ट्रांसपेरेंट आई वुड सजेस्ट कि इफ़ यू डोंट हैव अ ट्रांसपेरेंट आई वुड सजेस्ट कि ट्रांसपेरेंट हील्स तो आप डेफिनेटली अपने शू कलेक्शन में रखिएगा। वाइज बिकॉज यू नो जब भी कन्फ्यूजन होता है कि यार मैं इस आउटफिट के साथ क्या पहनूँ या इस ड्रेस के साथ क्या पहनूँ या इस साड़ी के साथ क्या पहनूँ, तो आंसर इज ट्रांसपेरेंट हील्स। ऑलराइट, सो ट्रांसपेरेंट हील्स आर समथिंग दैट गोज रियली वेल विद ऑल द आउटफिट्स, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, सो डेफिनेटली हैव वन इन योर वार्डरोब, इन योर शू कलेक्शन। व्हाट एम आई सेइंग, वार्डरोब, या इन योर शू कलेक्शन। ऑलराइट, थोड़ा सा फंबल हो रही है, शू कलेक्शन, टंग ट्विस्टर हो गया, शू कलेक्शन, शू कलेक्शन। यप, सो हियर इट इज़ एंड इट्स रियली ब्यूटिफुल। आई रिमेंबर यू नो ये वाला जो पैटर्न है हील का, आई हैव टू टेल द स्टोरी इस तरीके का। ये अभी मैंने रिसेंटली देखा है कि इतना रिसेंटली इट्स लाइक कपल ऑफ ईयर्स इट्स बीन कि ये इतना ज़्यादा इट्स इन द मार्केट। ऑल राइट, वेन आई वॉज इन इंजीनियरिंग, ऑल राइट, उस टाइम पे मैंने एक हील्स खरीदे थे, सेम ऐसे ही थे और उसका जो ये हील्स था ना एग्जैक्टली ऐसा ही था। ऑल राइट, एंड उस टाइम पे मुझे लगता है कि शायद आई वॉज द ओनली वन टू हैव दैट हील, दैट पैटर्न वाला जो इस तरीके का जो पैटर्न का हील है वो मेरे पास ही था, मैंने कहीं नहीं देखा था, किसी के पास भी नहीं देखा था। यहाँ तक कि मैंने तब तो उस टाइम पे तो ऑर्कुट और फेसबुक हुआ करता था, उसमें भी नहीं देखा था, कहीं नहीं देखा था। हो सकता है कि कहीं पे कोई किसी के पास हो जिसने पोस्ट नहीं किया हो, वो अलग बात है, बट या उस टाइम पे मेरे कॉलेज में थी तो भी मैंने कभी किसी के पास नहीं देखा एंड आई हैड दैट वन। ऑल राइट, एंड अनफॉर्चुनेटली वो क्या हो गया था ना, मैं चलाती थी गाड़ी और मेरी गाड़ी गिर गई, टू व्हीलर, ठीक है, गिर गई और मैं उसे उठाने के चक्कर में ये जो हील है वो टूट गया था। एंड वो एक ही दिन मैंने पहना था, नया था, एक ही दिन मैंने पहना था एंड उसका हील टूट गया। ऑल राइट, मुझे इतना बुरा लगा ना, एंड मैं गई फिर से शॉप में, मैंने बोला कि मुझे सेम पेयर चाहिए। मैंने उन्हें बोला कि ये कैसा वाला भैया आपने मुझे कैसा वाला हील दे दिया, इतनी जल्दी टूट भी गया, वैसे तो फॉल्ट मेरा ही था, फिर भी मैंने बोला कि टूट ही गया। तो उन्होंने बोला मैम जो चीज़ टूट गई उसका हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज गारंटी थी नहीं उसकी। तो मैंने बोला कि ओके जाने दो भाई, बट एटलीस्ट मुझे दूसरा पेयर दे दो। उन्होंने बोला कि मैम वो एक ही पेयर था और नहीं है, तो वो वाला जो हील्स है मुझे एक ही दिन पहनने को मिला है एंड उसके बाद मैंने पहना नहीं है। एंड उसके बाद इतने सालों के बाद मैं अब देख रही हूँ लाइक फ्रॉम फ्यू ईयर्स नाउ दैट
it's in trend, all right? And yeah, so that was the story, all right? And it was during my engineering time. Gifting made easier with Zook. Gifting has always been a very difficult task. I never understand what to give. But recently I came across Zook, which is a vegan and proudly Indian brand. It has various prints which are inspired by Indian heritage and culture. They have a varied range in bags, footwears and scarves. Now I know how to always give the perfect gift to my loved ones. You can use my coupon code for an additional discount on the website. Footwear. So ये ये वाला footwear है. So ये वो तो हो गया party wear, all right. And if you want to be in trend, all right, then have a brown color का footwear like this in your wardrobe, all right. These can go really well if you are styling these on western wears. और या फिर फॉर्मल इवन लाइक सारी दिस वन अगर आप इसे फॉर्मली आप यू नो फॉर्मल वे में आप इसे स्टाइल कर रहे हो तो फुटवेयर लाइक दिस लाइक ब्राउन कलर का जो फ्लैट्स है वो ड्रॉप रियली यू नो एलिगेंट ब्यूटीफुल एंड फॉर्मल भी लगेगा और बहुत ही ब्यूटीफुल लाइक बहुत ही एलिगेंट लगेगा ऑल राइट सोफिस्टिकेटेड एलिगेंट आपको ये दिखाएगा तो हैव दिस वन एंड ऑल्सो यू नो वेस्टर्न वेयर के साथ भी यू कैन स्टाइल दीज बहुत ही अच्छा लगेगा ऑल राइट आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में बहुत सारे वीडियोज ऑल राइट हैव अ पेयर ऑफ ब्राउन फ्लैट्स इन योर शू कलेक्शन ऑल राइट क्वालिटी एंड ऑल इज रियली गुड ये ना मुझे शायद 500 में मिला है ऑल राइट बट आई वॉज लुकिंग मैं ना ऐसी वाला ब्राउन कलर का फ्लैट्स देख रही थी और भी मुझे मतलब डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट देख रही थी बट मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरे पास मार्क्स एंड स्पेंसर का है ऐसा ही सेम डिज़ाइन बट उसका डिज़ाइन ज़्यादा बेटर है ऑफकोर्स उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है बिकॉज इट्स अ मार्क्स एंड स्पेंसर वन ये तो मुझे नहीं पता तो मार्क्स एंड स्पेंसर की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है थी अभी तो 3-4 साल हो गया मैं उसे तो अच्छे से मैंने घिस दिया है बट फिर भी वो टूटा नहीं अच्छा है होपफुली ये 500 में I mean, थोड़ा तो चल ही जाए बस एटलीस्ट थोड़े एटलीस्ट एक साल के लिए चल जाए बिकॉज मैं वैसे भी घिसने वाली नहीं हूँ एंड बहुत आई एम नॉट गोइंग टू वेयर इट मोर ऑफन सो या तो जो नेक्स्ट चीज़ मैंने ऑर्डर की है वो है ये क्या तो मैं आपको दिखाती हूँ तो ये वाली ज्वेलरी मैंने ऑर्डर की है और ये एक्चुअली ना मैंने आजियो में देखा कुछ 7-8 हज़ार का एक था ऑफकोर्स उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी ये तो मुझे 1000 रुपये में मिली कुछ 1000 रुपये में मिली या फिर 600-700 में कुछ मिली आई थिंक मैं प्राइस मैं लिंक वैसे भी शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा हॉल पैक लिंक मैं आप शेयर करूँगी और राइट सो डोंट गेट कन्फ्यूज तो ये वाला तो मुझे कम दाम में मिला है तो ऑफकोर्स उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी बट या इट्स एग्जैक्टली सेम लाइक द 1000 रुपये का जो सॉरी 7-8 हज़ार का जो मैंने देखा था उसका ड्यूप ही है ओके तो इसमें ना आपको तीन चीज़ मिलता है तीन चीज़ मिलता है ऑलराइट सो वो है आपको नेक पीस मिलेगा एंड नहीं हाँ नेक पीस मिलेगा एंड ईयरिंग्स मिलेंगे दो और ये फिंगर रिंग आपको मिलेगा ऑलराइट तो ना मैं ये फिंगर रिंग ट्राई करके देखती हूँ ऑलराइट सो कुछ इस तरीके से सो यू सी दैट ओके अब अच्छा लग रहा है ऑल राइट आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं साइज सो नो प्रॉब्लम सो आप देख सकते हैं तो बेसिकली यू नो आपको कुछ स्टेटमेंट स्टाइलिंग वाइज में इफ यू वांट टू वेयर समथिंग लाइक स्टेटमेंट ज्वेलरी कम प्राइस वाला देन यू कैन गो फॉर ज्वेलरी लाइक दिस वन बिकॉज बहुत ही एकदम आपको बहुत ही ब्यूटीफुल लाइक एकदम रॉयल दिखाएगा ऑल राइट क्योंकि प्राइस ही दिखाएगा ज्वेलरीज लाइक दिस वन ऑल राइट सो यू शुड इफ़ यू वॉन्ट टू लुक कम दाम में आपको प्राइस ही दिखना है तो गो फॉर ज्वेलरीज लाइक दीज एंड यू नो इफ़ यू वॉन्ट टू सी दैट हाउ आई एम गोइंग टू स्टाइल दिस नेक पीस तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना यूट्यूब पे अगर आप मुझे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड ऑल्सो यूट्यूब इंस्टाग्राम में मैं मोर ऑफन आई कीप पोस्टिंग वीडियोस ऑल राइट तो अगर आपने मेरे मुझे इंस्टाग्राम में अब तक फॉलो नहीं किया है तो मैं बता दूं कि मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है RAJSUJATA ऑल राइट मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी लाइक यहाँ पे मेंशन कर दूंगी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इफ़ यू वॉन्ट टू सी मोर वीडियोज एंड इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग ऑल राइट एंड फॉर द नेक्स्ट थिंग ऑल्सो आई एम सुपर एक्साइटेड तो जो मैंने नेक्स्ट चीज़ ऑर्डर की है लाइक आई सेड दैट इट हैज़ टू डू विद ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल सो ये है वो तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि ये क्या चीज़ है बट क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है यार तो इसको ना हम लोग प्रेस करके ओपन करते हैं
ओके सो इसे हम लोगों ने ऐसे करके ओपन किया एंड इसमें आप स्टोर कर सकते हैं अपने सारे वॉचेस, बिकॉज यू नो मेरे पास इतने सारे वॉचेस हैं, सबके अलग 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 यू नो केस हैं. तो उससे क्या होता है ना कि मैंने केस में से निकाल दिया एंड मैंने ओपन करके लाइक यू नो वहीं पे ही मैं रख देती हूँ ड्रेसिंग टेबल पे. तो मेरे सारे वॉचेस जो है ना वो केस में नहीं रहते हैं, सारे मेरे ना ड्रेसिंग टेबल पे ही रह जाते हैं, क्योंकि एक 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 फिर मैं डालना भूल जाती हूँ. ऑल राइट, तो इसीलिए मैंने सोचा ना कि यार आई शुड हैव समथिंग लाइक दिस वन, क्योंकि अगर एक ही रहा तो मेरे सारे वॉचेस इसमें रहेंगे एंड आई विल नो कि मुझे कौन सा वाला वॉच मुझे पहनना है. एंड सारे वॉचेस मेरे यू नो इट दे आर लाइक गुड क्वालिटी, फॉसिल हैं, माइकल कॉर्स हैं, गेस है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे वॉचेस खराब हों. तो दैट्स वाई आई थॉट कि यार आई शुड स्टोर देम इन वन प्लेस एंड जब भी मुझे बाहर जाना है आई ओपन दिस वन एंड इसमें से मुझे जो पहनना है वो मैं पहनूंगी एंड देन आई कैन कीप इन दिस वन. ऑल राइट, सो यू नो इंस्टेड ऑफ कीपिंग इन डिफरेंट डब्बास आई वुड सजेस्ट हैव वन डब्बा, कंसोलिडेटेड डब्बा एंड कीप ऑल योर वॉचेस इन दिस वन. एंड सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइस, वो मेरी डॉटर है जो मैं बकवास कर रही हूँ ना यहाँ पे वीडियो में, तो उसे भी बकवास को मतलब उसे भी बातें करना है. ऑल राइट, सो या एंड इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, लेट मी टेल यू. ऑल राइट, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, ब्लैक कलर में मैंने ऑर्डर किया है एंड सुपर हैप्पी टू हैव दिस वन. ऑल राइट, एंड इसमें कितने वॉचेस हम रख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वॉचेस रख सकते हैं, जितने मेरे पास हैं उतने ही हैं इसमें, तो उसी लिए मैंने ये ऑर्डर किया है. तो नेक्स्ट चीज़ है वो मैंने ऑर्डर किया है, ब्रेस्ट टेप मैंने ऑर्डर किया है. ऑल राइट, आफ्टर यू बिकम अ मॉम देन यू नो यू नीड इट. ऑल राइट, so if you know what I'm talking. I don't want to explain much. So yeah, I have ordered this breast tape and thing is you know ye to know the review about it. मैंने ना अभी तो मैंने इसे यूज़ नहीं किया है बिकॉज ऑफ कोर्स अभी आप लोगों के सामने मैं ओपन कर रही हूँ. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज यू नो आई ट्राई दिस वन एंड आई सी कि ये एक्चुअल में है कैसा. इसका रिव्यू मैं या तो मेरे YouTube शॉर्ट्स में शेयर कर दूंगी, या तो फिर अपने Instagram में शेयर कर दूंगी, या तो फिर यू नो डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगी, फिर कमेंट में ही शेयर कर दूंगी. ऑल राइट, सो इसके साथ ना आपको लाइक इस बॉक्स में आपको मिलता है ब्रेस्ट टेप मिलता है एंड दीज स्टिकर्स ऑल्सो यू गेट, लाइक दीज ब्रेस्ट स्टिकर्स यू गेट एंड उसके साथ ये टेप व्हाट यू कॉल यू नो फैब्रिक कपड़ों के लिए यू नो अगर यहाँ वहाँ से थोड़ा सा ओपन हो जाता है तो फॉर दैट यू नो इसमें कुछ हैं. कितने टेप्स हैं आई डोंट नो बिकॉज ये सारा ना चाइनीज जापनीज किसी लैंग्वेज में लिखा है तो आई डोंट नो कि क्या लिखा है. बट या सो दीज आर द टेप्स यू नो समटाइम्स यू नो इफ़ यू आर वेयरिंग अ वी नेक तो यू डोंट वॉन्ट लाइक यू नो समटाइम क्या होता है हम लोग से बैठते हैं तो थोड़ा सा ऐसा ये खुल जाता है तो यू डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन. तो यू नो यू कैन हैव अ टेप लाइक दिस वन स्टिक कर दिया तो इट विल जस्ट बी देयर. ओके एंड खुलेगा नहीं. ऑलराइट, एंड सेम गोज विद लाइक यू नो कोई भी ड्रेस हो गया या फिर साड़ी हो गई आपने, इफ़ यू वॉन्ट साड़ी टू यू नो बी इन प्लेस और योर ड्रेस टू बी इन प्लेस देन यू कैन हैव द स्टिकर्स लाइक दिस वन. आई शो यू इन सम वीडियोज हाउ आई एम सेइंग, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू इन ऐसे मैं बोल नहीं सकती, आपको दिखाऊंगी. ऑलराइट, सो या एंड इसके साथ ना मैंने एक और चीज़ ऑर्डर की है, वो है ये वाला ऑर्डर किया है और इसका भी रिव्यू ना ये भी स्टिकर ही है. ओके, तो ये इसका इन सबका रिव्यू ना मैं आपको बाद में ही दे सकती हूँ बिकॉज आई हैव नॉट यूज्ड इट. सो ये वाला जो मैंने ऑर्डर किया इसके साथ केस भी मिलता है एंड दिस इज हाउ इट इज. ऑलराइट, सो आई हैव ऑर्डर्ड देम बिकॉज मैंने बहुत सारे स्लीवलेस ब्लाउजेस मैंने स्टिच करवाए हैं तो उसके लिए आई वॉन्टेड दीज. पहले वाला जो था वो ख़राब हो गया है तो उसके लिए भी मैंने ऑर्डर किया है. बट ये वाला जो ब्रांड है वो मैंने डिफरेंट ब्रांड ऑर्डर किया है. वहाँ पर लास्ट टाइम मैंने यूके से किया था तो वो अच्छे थे बट काफ़ी दिन हो गए, वो पुराने हो गए हैं. तो दिस टाइम आई ऑर्डर इट फ्रॉम अमेजोन एंड आई सी दैट हाउ इट इज. ऑल राइट गाइज, तो ये था मेरा अमेजोन हॉल, रैंडम चीज़ों का हॉल. इसमें से आपको कुछ पसंद आया या फिर कुछ क्वेश्चन हैं एंड यू नो माई पर्सनल सजेशंस टू गो फॉर द टू फुटवेयर आई शोड यू, जो हील्स या फिर वो फ्लैट मैंने दिखाया है डेफिनेटली गो फॉर दैट वन एंड द नेक पीस आई हैव शोड यू डेफिनेटली गो फॉर दिस वन एंड अदर देन दैट वो सारी चीज़ें हैं वो नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं, इट्स टोटली अप टू यू. बट या
अदरवाइज ऑल्सो सारी चीज़ें इट्स अप टू यू वेदर यू वॉन्ट टू गो ऑन एंड नॉट फॉर इट. बट या अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया, इफ़ यू हैव समथिंग सम सजेशन और सम फीडबैक फॉर मी, देन प्लीज शेयर इट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. आई वुड रियली बी हैप्पी टू address them. And if you are new to my channel, then please subscribe to my channel by clicking the red subscribe button, and uske side mein jo bell icon hai use zarur click karna, so that anytime I post the video aap logo ko notification milta rahega. On that note, this video comes to an end. Till the next time, take care, bye bye.